ये मुखड़ा तो आईने में दिखाई देगा। आत्मा का मुखड़ा कब दिखाई देगा? जब रात को आंखें बंद करके सोते। अब आप देख लो, जितने यहां बैठे हो है ना, आप में से एक भी व्यक्ति बताओ जिसको आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम है पुण्य आत्मा। उसको आग में भी डालो, आग भी जला नहीं सकती है। एक दिन, एक महीने के अंदर एक दिन भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आए। पुण्य आत्मा कौन? कैसे कहेंगे ये पुण्य आत्मा ये पाप आत्मा? निष्प्रूफ है ना। अगर आपको मुझे शुगर की बीमारी है, डॉक्टर फोटो निकाल के दिखाता है, एक्सरे निकाल के दिखाता है, तो यहां भी मुझे चाहिए अपने को पता होना चाहिए मैं कौन सी आत्मा हूं। देवात्मा हूं, पाप आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, कौन सी आत्मा? आत्मा तो पहले वो पता होना चाहिए, फिर उस बीमारी को मिटाने की दवा चाहिए। सिर दर्द है, पाव दर्द है, कान दर्द है, आंखों का डॉक्टर अलग है, पाव का डॉक्टर अलग है, तो आपको कौन सा भगवान डॉक्टर चाहिए? आप कान वाले डॉक्टर के पास जाओ, आप ठीक करो, करेगा वो कहेंगे इस डॉक्टर के पास जाओ, कहेगा ना। तो आपको कौन सा भगवान चाहिए? लक्ष्मी चाहिए, धन देगी, सरस्वती चाहिए, विद्या देगी, तो पूछ लो आपको कौन सा भगवान चाहिए। दुनिया में बहुत डॉक्टर है, तो यहां भी दुनिया में कहेंगे हाँ ये श्री राम श्री कृष्ण है, दुर्गा देवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, बहुत है, आपको कौन सा भगवान चाहिए? क्यों एक किसी ने भी पाप मिटाने नहीं कहा, धन देंगे आपको, पाप मिटाने नहीं कहा, लक्ष्मी की पूजा करो, सरस्वती की पूजा, विद्या मिलेंगी, लेकिन पाप मिटाता है किसी ने नहीं कहा। एक ही निराकार सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम राम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम शिव ने विष पिया है और किसी ने विष नहीं पिया और वो सत्य है। तब भारत में शिव जयंती शिव आता है, किसके लिए आता है? विष पीने के लिए। ये पांच विकार मनुष्य को